हेलो गाइस, मेरा नाम सुमो, आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल टोटल सुमो। तो कैसे आप सब लोग, मित्र तो समझ रहे होंगे, हंसी खुशी जी रहे होंगे। तो गाइस, मैं आ गया आपके लिए कर मस्त गेम प्ले वीडियो लेकर। तो भाई, जिसमें हम लोग उतना सबसे पहले इग्लू पे और इग्लू पे उतर के मुझे मिल गया M249। तो मेरे टीम मेट के पीछे पड़ गए बंदे, वह पीछे बंदा पीछे तो पड़ गया था, पर मैंने उसको ज़रूर निपटा दिया। पर जैसे उसको निपटाया, अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग आ जाते फिर इसमें, ये बड़ा सा जो टावर है, तब यहाँ बंदा है। अब भाई डैमेज मैंने दिया, किल मेरे भाई ने उठा लिया। ये मेरा सगा भाई है, तो इसको मैं जाता हूँ फिनिश करना। भाई देखिए, नॉक निकल गया तो किल कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि भाई रिवाइव हो जाएगा, फालतू का दिक्कत होगा। इससे अच्छा हम लोग जाते हैं उसको नॉक करते हैं। अब देखिए सामने में क्या, ये जो छोटा छोटा बॉक्स है उसके पीछे बंदा लेटा हुआ दिखता है। अब भाई लेटा हुआ दिखता तो मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ, तो टैप टैप करके मैं इसको मार देता हूँ कैसे भी। बस देखिए भाई, मैं तो टैप टैप मारना तो आता नहीं, तो यहाँ मेरा किल कन्फर्म हो जाता है। पर भाई इस मैच में आप देखिएगा बहुत मस्त, मतलब लास्ट में जो 1v7 निकाला है, अब बस वीडियो का एंड तक देखेंगे या फिर मैं उसको हल्का सा क्लिप आपके आगे डाल दूँ बस स्टार्टिंग में, तो देख के आपको पता चल जाएगा भाई इंटेंस सिचुएशन थी। 7 बंदे या 6 बंदे एक बार में रश कर रहे थे, तो यार समझ सकते हैं ये की बात। तो भैया हम लोग TPP ले रहे हैं, अब हम लोग क्या, मैं TPP लेता हूँ। मेरा भाई का डिवाइस थोड़ा ख़राब है, तो वो उतना आगे जाके फाइट नहीं लेता, तो मैं ही आगे जाके फाइट लेता हूँ ज़्यादातर। तो मैंने आराम से अपना किल कंफर्म कर लिया। अब भाई देखिए, यहाँ पे बंदे आते जा रहे हैं, मैं उनको मारते जा रहा हूँ। अब देखिए, इस बंदे को मैंने चलते हुए मारा, यहाँ टीम एलिमिनेट है। ये असली बंदा था कि बॉट नहीं रही है, सामने इग्लू है उस पर नेट करता। अब देखिए, मैं यहाँ TPP लगा के बैठा हुआ, तो भाई बंदा है मेरे को दिखेगा, क्योंकि भाई बंदे अच्छे खासे रश कर रहे थे। अब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, बंदा आया, बंदे की मैंने पेटी डाल दिया, पर इसके बाकी टीममेट्स भी थे आसपास। अब देखिए इग्लू पे फाइट हो रहा था, मैंने एक नॉक निकाल दिया। अब मैं वहाँ से जोश में कूद जाता हूँ कि चलो भाई इग्लू में जाकर किल कंफर्म करूँगा। मैंने आ गया मॉली की, एक मस्त सक्सेस मॉली की। अब भाई मॉली से मेरे को लगा बंदे जलेंगे, पर बंदे जले नहीं। पर भाई जैसे ही मैं इधर आया, ये बंदा आया और मैं यहाँ पिट गया। अब भाई जो भी है, फिर हम लोग यहाँ इस वाले टावर में दोबारा आ गए। अब देखिए यहाँ पे मेरे को ये चलते हुए भाई एक बंदा दिखता है, इसको मैं UMP 2X से नॉक करता हूँ। 2X सबसे भाई याद स्कोप रखता है मेरे को, मेरी मानिए। अब मैंने यहाँ पे अपना एक मस्त दो नॉक कर दिए, एक बॉट था एक अच्छी, तो इस बॉट का मैं किल कंफर्म कर रहा, क्योंकि भाई किल छोड़ देना बहुत रिस्की बात है। मैं यहाँ रिलोड कर रहा था, पर रिलोड में जितना टाइम लग रहा था, इससे मैंने सोचा चलो एक एम का ही बस्ट मार के उसको बंदे का किल कंफर्म कर। देखिए बंदा, ये नॉक वाला बंदा भी बाहर आ गया, मतलब इसको उम्मीद नहीं थी टीम के आसपास थे। भाई एक चीज़ हो गया, पता नहीं अब बंदे यहाँ पे विलेज का कम क्यों आ रहा है। और गाइस मैंने जो सुना है जॉम्बी बोर्ड, यार मेरे को जॉम्बी बोर्ड देखने में तो बिल्कुल पसंद नहीं है, एक पैसा भी, मैं क्या करूँ। देखिए मेरे को यार दूर से डैमेज पड़ता है, तो ये बॉट साला मेरी आधी HP खा जाता है। ये बॉट के पास क्या AWM वगैरह दे दी थी क्या? तो इस बॉट का किल तो मैंने चुराने की कोशिश की, पर मेरे को वो किल मिला नहीं, वो सामने से किसी बंदे ने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 बंदे हैं ऊपर नीचे। भाई मैं यहाँ पे टिप लेके बैठो, पर साला अचानक क्या होता है, ये लोग मतलब रश तो करते ही हैं। भाई हम लोग इसको मारने के लिए यहाँ पे, भाई मैं पूरी अपनी गोली खत्म कर ली। AKM में गोली नहीं है, UMP में 2 गोली है, अब 3 गोली से बचने लगा। अभी मैंने AKM लूट के मेरा टीममेट ने नॉक किया, टीममेट क्या बोलता हूँ यार, भाई है मेरा। तो मैंने यहाँ इसको नॉक किया, मैंने इसको रिवाइव दिया, मैंने यहाँ रिवाइव दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे पेटी लूटता हूँ सामने वाले, पेटी को लूटा। भाई यहाँ देखिए 7K में हमको लगा बहुत ज़्यादा मिला, पर साल असल में 7K ही 2-3 को मिला था। इसके पास बंदे के पास गन थी क्या? 4 MO था इसके पास, AKM का 18 MO था इसके पास, M4 का। ये साले इस गन लेके रस आ गया। भाई नीचे जाके वो बंदा जिसको मैंने नॉक किया था, उसके पास एमओ थी दबा के, तो उससे मैंने एमओ ले लिया दबा के। भी क्या चलो, इसमें भी अभी कम ही एमओ है। अब देखिए क्या हुआ, अब मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को लगा बंदा बाहर होगा, पर बंदा था नहीं। पर अब देखिए ऊपर आया, अब मैं फिर से TPP लेने लगा। भाई बंदे ने कर दी मॉली, एक ऊपर मॉली की एक नीचे मॉली की। तो मैं सोचा भाई मैं क्यों छोड़ूँ, मैं भी मॉली करूँगा। तो मैंने ये फ्लोर पे नहीं किया, मैंने सीढ़ी पे, क्योंकि मुझे मालूम है सीढ़ी पे करने से मॉली स्प्रेड होकर नीचे लगती है फ्लोर पे। अब देखो, अब मेरे को लगा भाई ये लोग बाई चांस अगर मॉली से बच गए तो मैं यहाँ 2 नेड कर देता हूँ, पर वो मतलब मॉली से तो बचता नहीं है, मॉली से नॉक निकल जाता है। अब भाई मैं नॉक निकल सीधा जाता हूँ रश कर, 2 नॉक निकला। मेरा तीसरा टीममेट भी आ चुका है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, मेरा ये मत समझ आएंगे, नंबर 1 मेरा यहाँ पे हैकर है। अब भाई इस स्प्रे के लिए आपको मेरे को लाइक तो करना पड़ेगा। भाई मैंने फ्री फायर से एक बंदा नॉक निकाल लिया, एक का किल कंफर्म कर लिया, जो नॉक निकला मैं उसको बाद में मार दूंगा। अब भाई यहाँ मेरे हो चुके 7 लोग। अब भाई यहाँ से हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं यहाँ, पोटैटो हिल के पास। अब जो लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं उनको मालूम है पोटैटो हिल का। अब भाई हम लोग यहाँ के स्पॉट हाउस पर, मैंने यहाँ पे अपनी गॉडज़िला US उठाई और अपनी टीम को भरा, निकल गया वैसे सीधा, क्योंकि भाई मैंने देखा था यहाँ पे स्पॉट हाउस में कोचिंग के वाले में फाइट हो रही थी। अब भाई सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, तो भाई मैं इस पर चढ़ाने जाता हूँ गाड़ी। अब मेरा टीममेट कोई फायर नहीं किया, अब जब वो लोग फायर किए तब तक बहुत लेट हो चुका था, गाड़ी ठुकी नहीं, और यहाँ गाड़ी आके पेड़ पे ठुक गई। मेरा आधा HP जा चुका है, मेरा टीममेट यहाँ पे ठुक चुके हैं दोनों। भाई मैं क्या करता हूँ, मैंने जल्दी से इसको नॉक किया, मैंने किल का ना किल कंफर्म करता हूँ, क्योंकि भाई
ठीक है, रिकॉल होना तो हो जाएगा। अब भाई जैसे मैं यहाँ पर अपने टीम को रिवाइव देता हूँ, अपना एक नंबर को, जैसे ही एक सेकंड बचा भाई नेड आ जाता है। अब नेट आके टीममेट फट गया, एक टीममेट बचा हुआ तो उसको क्या रिकॉल देता, वो भी फट गया दूसरे नेट से। अब मैं एक अलग नॉक हो गया दूसरा नेट से, अब इससे चलेगा तो कैसे होगा। अब मेरा उम्मीद खत्म हो चुका था कि भाई मेरे को लग रहा था मेरे को रिकॉल मिल रहा है क्योंकि आधा रिकॉल का टाइम जा चुका है और साल मेरे को नॉक फिनिश डाल के को आ नहीं रहा। अब भाई क्या हो, मेरा टीममेट सब उड़ के मतलब वो लोग रिकॉल होकर वापस आया, वो आया अरे मेरे को रिकॉल दिया, रिवाइव दिया। मैंने यहाँ अपनी हेल्थ रिकवर किया, मैं हेल्थ रिकवर जैसे ही किया अब भाई मैं चल जाता अपने टीममेट के पास। वो लोग फिर आ गए थे, उन लोग की पेटी बनी थी, वो लोग वही लूट रहे थे। पर अब मेन दिक्कत यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही मैं उन लोग के पास गया, अब भाई उन लोग के पास गया हूँ, मेरे को लगा ठीक है हम लोग कवर ले लेंगे। अब मैं आराम से छुप छुप के जा रहा हूँ कि भाई जैस कोई होगा तो मार दूंगा। अब मैं जैसे ही इन लोग के पास पहुँचा तो क्या हुआ कि हम लूट रहे हैं। अब हमको आता है उड़ने का आवाज़। अब देखिए, अब अचानक से उड़ने का आवाज़ आया, बंदा दिखा। भाई मैं क्या करूँ यार, मेरे को बताओ यार कोई ट्रेनिंग ड्रिल बताओ जिससे मैं ये सब कर सकूँ। पर छोड़िए, अब देखिए उसमें चिकन डिनर नहीं हुआ, वैसे चिकन डिनर तो अब इस मैच में चिकन डिनर नहीं है, पर इसमें आपको देखिए मेरा क्लच देखने जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ आया, मेरे पास टॉमी मिली और एक फार्मस मिली। फार्मस भाई टट्टी गन है, टॉमी ठीक ठाक चलती है। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे सामने भी बंदा था, बगल में बंदा था, हर जगह बंदा था। मैं ऊपर में जाके एक बंदा नॉक फिनिश डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ आया, बस मेरे को सामने वाले घर में बंदे थे, उनको मेरी लोकेशन पता चल चुका। अब उन लोग मेरे पर नेट मॉली करते हैं। मेरा तो एक ही रहता है कि भाई नेट मॉली को फिनिश करने से पहले जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा किले यहाँ से लेकर निकल जाते। अब जैसे अब देखिए मेरे घर के पास फाइट चल गया, अब एक बंदा ही बाहर हो गया है नॉक। भाई नॉक बंदा आ गया मेरे पास, यही बंदा मेरे रश करना था, इसको किसी और टीम ने नॉक कर दिया, फिनिश मेरे को मिल गया। तो बोलता है ना भाई जिसकी किस्मत फिनिश है उसी को मिलेगा। भाई मेरा मैं क्या करूँ यार, मेरे से नहीं हुआ पड़ता है, ई मिल गया तो मैं यहाँ पे नॉक हो जाता। अब जो बंदा मेरे को नॉक करता उसको कोई और नॉक कर देता और उसका स्किल भी उसके आगे के सामने चले जाता सब ज़्यादा। अब भाई हम लोग यहाँ उतरे, यहाँ पे स्टेबलर स्टेलबर जो भी है उसके पास। अब भाई यहाँ पे ये लोग मेरे टीममेट एक फाइट लेते। अब देखिए वॉच टावर बंदा है। अब मेरी किस्मत इस मैच में देखिए कितनी ख़राब चल रही है, उतरते साथ नॉक। अच्छा वही बंदा मेरे को फिनिश डालने नहीं आया, थोड़ा नूब बंदा, तो मैं अपना लोकेशन मार्क कर दिया। मेरा दूसरा टीममेट आया, अब उसने इसको नॉक डाला, फिर आया वो मेरे को रिवाइव देने। अब भाई रिवाइव हुआ, अब मैं जैसे ही इधर जा रहा हूँ, अब भाई मैं ये जगह कभी नहीं आया हूँ आज तक, मेरे को तो पता भी नहीं है जगह एग्जिस्ट भी करती थी, अभी पता चली। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा, अब कैंपर मेरे को पकड़ गया, भाई मेरे फट गया है, मैं यहाँ पर रहूँगा, पर मेरे टीममेट ने उसको भी नॉक कर दिया। तो भाई मैं आप देखिए मैं यहाँ नॉक हुआ, मैं रगड़ रगड़ के कहाँ जाके रिवाइव होता हूँ, यहाँ आके रिवाइव हुआ। अब मैंने यहाँ पे अपनी हेल्थ रिकवर की, बैंडेज थी मेरे पास, मेडिकेट भी सोचे गरीबी कितनी चल रही है। अब मैं यहाँ पे है बैंडेज मार के, अब जैसे मेरे को फुटस्टेप है तो लगा कुछ तो होगा। चलो एक बॉट तो मिला कम से कम, M762 4X से थोड़ा मैंने मार के उसको बॉट को फिनिश कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग जाते हैं, ये रोप वे जो होता है इससे हम लोग जाते हैं सीधा यहाँ यसनाया पोलियाना। देखिए हम लोग इसमें आ गए, अब ये सीधा हमको यसनाया पोलियाना लेके जाता है। अब हम लोग यहाँ से यसनाया पोलियाना पहुँच गया, मैं यहाँ पोलियाना के अपार्टमेंट पहुँचा। अब भाई मेरे को आती है साउंड एक बगी की, मतलब कोई क्या, अब मतलब भाई मेरे को तुम लोग इतना नूब समझे हो क्या, चलो टेढ़ा बगी लेके तुम लोग मेरे को रश करो, मतलब गाँव में मेरी इज्जत नहीं है। मतलब जब तक आप लोग नीचे वाले सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं करवाओगे तब तक मेरी कुछ इज्जत नहीं होगी, ये लोग ऐसा मान के बैठे। तो भाई इनकी सबसे बड़ी गलती, किस्तों में आ रहे हैं तो भाई किस्तों में ही जाओगे ना तुम। तो भाई एक बंदे को मैंने फिनिश किया, अब भाई दूसरा बंदा आ ही रहा है। मैं यहाँ पर सोचा कि मैं ये एनर्जी ड्रिंक ले लूँगा, पर वहाँ पर मैं बूस्टर पर, तो मैं इसको ना मैं आके एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूँ, पर इतना कि मैं बूस्टर लेके जाऊँगा। मेरा टीममेट जो मेरे साथ आया था उसको कोई और पकड़ लिया या किसी, इस बंदे को नाम याद रखूँ भाई, ये बहुत गंदा बंदा, बहुत गंदा। अब मैं जैसे इधर आया, भाई नीचे इन लोग का फाइट चल रहा है, कोई AWM चला रहा है, कोई ग्रोजा चला रहा है, इन लोग के पास इतनी अच्छी लूट थी। अब भाई मैंने एनर्जी ड्रिंक मारी, अब भाई बंदा का फुटस्टेप आ चुका है, बंदा आ चुका है। क्या जी मतलब आपका कोई मिल गया हो, देख के आए हो, इतना जल्दी हमारे पास छोड़ के आ रहे हो, तो ये बंदा मर गया। अब भाई ये इसको मारा तो मेरे को और फुटस्टेप आए कि और तीन बंदे आ चुके। अब भाई इसने सीधा नेड मॉली करना शुरू हो। अब भाई ये आता तो मेरे को एक साउंड आता कि भाई कोई उड़ के भी आया मेरे पास। अब भाई उड़ के आने वाला तो गिर गया, पर ये बंदा सीधा आता है मेरे ऊपर रश करने। अब भाई देखिए आपको वहाँ दिख चुका गेट के पास वो बंदा है, मेरे को दिख चुका है, तो मैं यहाँ रेडी था। मेरे पास TPP एंगल था, उसको मेरा TPP एंगल उसने मेरे को दे दिया। अब मैं सोच रहा क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं यहाँ इंजेक्शन मार रहा हूँ कि भाई बूस्टर थोड़ा तो लगा पाऊँ। अब भाई जैसे ही फिर से कोई बंदा उड़ने का आवाज़ है, अब भाई जैसे मैं इधर बंदा आ चुका था, तीन बंदे अभी तक मार चुका हूँ मैं, तीन बंदे, चौथा 1v4 हो चुका, इसको मारो। अब एक और बंदा, अब इसको मैं फ्री फायर में लपेटूंगा, पर नहीं हो पाया, इसको मैंने M4 से मारा। अब देखिए अब ये पांचवा बंदा,
अब ऑलमोस्ट ये 1v6 था, अब ये 1v6, अब देखिए सामने वाले अपार्टमेंट में को बंदे का साउंड आ चुका था, तो अब उसने भाई वो छत पर इधर उधर घूम रहा है, मैं इधर घूम रहा हूँ, तो मैं सोचा उसको मारूँ कैसे, तो मैं यहाँ पे 12 के उड़ के यहाँ पे छत पे चला जाता हूँ। पर गाइस क्या बोलेंगे, छः बंदे से एक साथ फाइट लेंगे, थोड़ा सा एक गलती की वजह से मैं मैच थोड़ा भारी पड़ गया, मैं इसको आराम से मार सकता था, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस क्योंकि ज़्यादा पिक करके मैं यहाँ मर जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बालकनी पे, आप देखिए बंदा सामने, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा गोल है 100 सब्सक्राइबर इस साल के एंड तक, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, सी यू सायोनारा। हवा नु चीर दा जावे लगे बाज दी चों जहर हथ नी